राजधानी पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड बस परिसर में चल रहे अखंड महायज्ञ के समापन समारोह के पूर्व संध्या पर भंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यज्ञ समारोह के आयोजक मंडली में मौजूद समाजसेवी डिसूजा यादव और गौरव यादव के नेतृत्व में इस पूरे भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि समाज सेवी डिसूजा यादव और गौरव यादव ने इस मौके पर बताया कि जिला कतार उनके समाज के युवाओं की टोली सामाजिक कार्य में जुटी रहती है और इसी कड़ी में उनके इलाके में हो रहे महायज्ञ को देखते हुए उन लोगों ने इस महायज्ञ में 10,000 लोगों के लिए यज्ञ समापन के पूर्व संध्या पर भंडारे का आयोजन किया गया। बताते चले कि पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड परिसर में आयोजित इस महायज्ञ को देखने दूर दराज से लोग यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहां मौजूद बाबा गुप्तेश्वर पांडे के प्रवचन को सुनकर लोग अभिभूत हो रहे हैं और इसी कड़ी में महायज्ञ के समापन के पूर्व संध्या पर यज्ञ समारोह स्थल पर आने वाले लोगों के लिए इस यज्ञ के प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया। आज क्या कुछ किया है, भागवत कथा का आयोजन है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ और आप लोगों ने क्या कुछ मिलकर किया है? 26 दिसंबर से हम लोग को पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडव के नेतृत्व में यहाँ भागवत कथा का स्टार्ट किया गया है। आज 2 तारीख है, हम लोग अपने टीम के सहयोग से एक भाग्य भंडारा 10,000-20,000 लोग के लिए भंडारा किया है। कल भी भंडारा रखे हैं 3 तारीख को, और लोग ज़्यादा आएंगे। हम लोग सारे टीम के सहयोग से हम लोग भाग्य भंडारा कर रहे हैं। हमारे गुप्तेश्वर बाबा के नेतृत्व में श्री राम कथा हो रहा है, 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, कल 3 तारीख को भी भंडारा, आज 2 तारीख को भी भंडारा रखे हैं। लगातार आप लोग युवाओं की टोली जो है सामाजिक कार्य में जुटी हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? हम लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा लॉकडाउन में भी देखे हैं, हम लोग समाज के नेतृत्व में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। है जो इस पूरे कार्य में लगे हम लोग 200 मेंबर है। 200 मेंबर महाराज जी आए थे गुप्तेश्वर बाबा जी, पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डिसूजा यादव हुआ। हम लोग हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 25 दिसंबर से स्टार्टिंग था इसका और 3 तारीख को समाप्त है, तो इसमें 2 दिन भंडारा का आयोजन किया गया। आज का दिन 2 जनवरी और ये 3 जनवरी, कल कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारे माता हैं यहाँ, बहन हैं, सबको मेरा प्रणाम। और जितने भी लोग यहाँ आए, श्रद्धालु लोग हमारे प्रसाद को ग्रहण किए हैं, सारे को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम है और उनका हम ये लगातार 51 महाकुंडों का जो है महायज्ञ यहाँ चल रहा है, लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे इस आयोजन करने का विचार आया और कैसे आप लोग पूरे युवाओं की टोली ने मिलकर इस भक्ति सबके अंदर होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन भगवान को सब मानता है, इसलिए सब लोग हम लोग सारे लोग मिल के इसका एक दिन बैठे हैं। सारे लोग के मन में विचार आया तो भाई जनता का विचार आ जाएगा, तो भाई हम लोग तो जनता है तब ना हम लोग हैं, जनता के बिना तो कोई है नहीं। और उसके बाद आपने इस पूरे महायज्ञ में पूर्व DGP को बुला लिया। जी हाँ, पूर्व DGP हमारे आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी का यहाँ पर कथावाचक उनके द्वारा हो रहा है। वक्ता के तौर पर वो रहे, हजारों लोगों ने उनको सुना जी, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ संदेश दिया इस मंच से? उन्होंने अपना कथा यहाँ पर जो बताया और लोग जो सुनने वाले लोग थे सुन रहे हैं बैठ के, और जो जिनमें मतलब ये मतलब भक्ति की आशा है, उतना श्रद्धा है, सब लोग सुने। आज विशाल भंडारण का भी आयोजन किया गया। हाँ जी, विशाल भंडारा आप तो बराबर कह चुके हैं आपको, तो 2 तारीख 3 तारीख दोनों दिन विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। कितने लोग लगभग अभी तक आए हैं और कितने लोग आने? 10,000 आदमी आज आए हैं, 10,000 जितने भी लोग थे सब लोग। क्या कुछ परिचय हुआ? जी परिचय, हमारा नाम गौरव कुमार यादव, पटना महानगर उपाध्यक्ष राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय जनता दल, स दयानंद कन्या उच्च विद्यालय अध्यक्ष। धन्यवाद।